हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आम पन्ना बनाने सिखा रही हूँ। उसके लिए आपने 1 किलो केरी को छील कर काट लेना है और 1 छोटी प्लेट पुदीना ले लेना है, काला नमक ले लेना है 4 चम्मच और 2 चम्मच भुना हुआ जीरा पीसा हुआ और 700 ग्राम चीनी ले लेनी है आपने। सबसे पहले आपने केरी को कटी हुई को कुकर में डालकर 3 गिलास पानी डाल लेना है। फिर उसमें आपने पुदीने के पत्ते और चीनी डालकर 5-6 विसल दिलवा लेनी है और जो गैस की फ्लेम है वो आपने मीडियम रखनी है। चलिए देख लीजिए, पुदीना डाल दिया। अब आपने इसमें तीन गिलास पानी डाला हुआ है कुकर में। पाँच छः विसल के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने पर उसको जार में, मिक्सी जार में ऐसे बारीक पीस लीजिए। उसके बाद आपको एक मोटी छलनी लेकर उसमें से छान देना है ये मटेरियल, और छानना है तो उसमें जो कुकर वाला मीठा पानी बचा था वो भी इसके अंदर मिक्स डाल के छानना है, और इससे क्या होगा ये जल्दी छन जाएगा और इसके जो रोए रोए हैं वो अलग हो जाएंगे। बस आपको इसको काटने में और छलने में ही टाइम लगता है, बाकी तो 5 मिनट लगते हैं बनाने में। ये आपने पूरा इसको छान लिया है। अब आप इसमें ये काला नमक 4 चम्मच, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ जीरा पीसा हुआ, 2 चम्मच सिंपल नमक काटा नमक और 1 चम्मच काली मिर्ची पीसी हुई डाल देनी है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इसमें एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये मैं आपको अच्छी तरह दिखा नहीं पा रही हूँ, आधा ही दिख रहा है क्योंकि दूसरे हाथ से मैं इसको बना रही हूँ। ये चलिए बन के रेडी हो गया है, सर्व करने के लिए तैयार है। 1 कड़छी मैंने 1 गिलास में डाला और 2 बर्फ़ की स्लाइस डाली है और 1 गिलास पानी डाला है। अब आप इसको चम्मच से मिक्स कर दीजिए। चलिए ये पीने के लिए रेडी है। चलिए गाइस, आप इसको बनाएं और टेस्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आम पन्ना कैसा बना है। मेरा तो बहुत टेस्टी बना है। चलो, थैंक यू सो मच।